उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों से भर्ती शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की एक और ताजा अपडेट यह है कि अब इस मामले में शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट फिर से पहुंचे हैं। कहा यह जा रहा है कि 37,339 पदों को होल्ड करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से शिक्षा मित्रों ने की है। भर्ती प्रक्रिया से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके सुनवाई के लिए याचिका दाखिल की गई है और इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पिछली बार जब सुनवाई की गई थी उसके बाद में सरकार के ही उस लाइन को जैसा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था और उसी को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। शिक्षा मित्र अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए हैं। हमारे सहयोगी चंद्रमणि शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन के जरिए इस वक्त जुड़े हुए हैं। चंद्रमणि, इस बार सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक नई अर्जी, इस बार क्या क्या मांग की गई है? जी बिल्कुल, जिस तरह से पिछली तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से सरकार से मांग ये पूछा था कि 40-45 पर कितने शिक्षा मित्र पास हैं। अब जो शिक्षा मित्रों की दलील है, शिक्षा मित्रों का कहना है कि जो हमारे 35,000 जिन लोगों ने अपेयर किया था उसमें 8,000 शिक्षा मित्र जो पास हो गए हैं, बचे 37,000 पद। अगर 37,000 पद पे अगर जैसे कि बाद में कुछ ऑर्डर आता है तो उसको लेकर इस पे या तो रोक लगाई जाए, क्योंकि अगर भर्ती हो जाएगी तो जो जब भर्ती हो जाएगी तब निकाल के उनको रखना मुश्किल होगा। तो इसके लिए इन्होंने मांग की है कि जो 37,000 पद हैं वो होल्ड रखे जाएं या इस भर्ती को रोका जाए, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है कि 40-45 पे कितने शिक्षा मित्र पास हैं। तो ये एक गंभीर मामला है। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आता है और किस तरह से आगे की प्रक्रिया होती है, देखने वाली बात है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया चंद्रमणि इन तमाम जानकारी के लिए।